लेट से उठेगा, शूज पहनने में तो इतना लेट लगाता है ना कि में से देखते हैं कितना होता है शाम तक। एक लिक्विड हमने बना करके कपड़े में लगा लिया था और रेड रेड हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड काफी भारत यात्री लग रहे हैं। भारत यात्री फ्रेंड्स, ये टूटा चश्मा ना एक महीने से लग। तो फ्रेंड्स इसमें पानी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है कबीर का नाश्ता और देखिए कितना मतलब जल्दी में वो रहता है, लेट से उठेगा, शूज पहनने में तो इतना लेट लगाता है ना कि पूछिए मत, जल्दी जल्दी उसके मुंह में डालना पड़ता है नाश्ता। तो फ्रेंड्स ये लोग का हंगामा खत्म होगा, चले जाएंगे सब अपना ड्यूटी स्कूल, तो फिर मेरा काम शुरू होगा। तो फ्रेंड्स ये है आज का काम, ये काम में से देखते हैं कितना होता है शाम तक। 1, 2, 3, 4, 5 काम है आज का पूरे दिन का। तो इस तरह से लिस्ट बना लेंगे ना तो कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है माइंड में चलता रहता है कि ये काम करना है तो अच्छे तरीके से होता है, ये मेरा अजमाया हुआ है फ्रेंड्स। आप एक बार इस तरह से बना करके मतलब इस तरह से लिस्ट बनाकर काम करेंगे ना तो मज़ा ही आता है, मतलब अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी से ही काम और देखते हैं शाम तक रात तक क्या क्या हो पाता है। तो ये देखें, छाली निकालना है और गर्म कपड़े जो है उलेन वो धोना है और फ्रीज साफ़ करना है, टोमेटो चटनी बनाना है, तीसी का पाउडर बनाना है। तो ये 5 काम में से क्या क्या कर पाते हैं ये देखते हैं आज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो कपड़ा धो लेते हैं वुलेन जितना भी है, क्योंकि ना लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो पहले कपड़ा डाल लेते हैं। खाना पीना तो बन गया है, सभी लोग चले गए हैं, नाश्ता भी हम लोग का हो गया, तो यहाँ पे इजी डाल दिए हैं और उसके बाद जो है जितना भी वुलेन है सारा कपड़ा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा काम अगर करना हो ना तो सबसे पहले किचन का काम खत्म कीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाता है, नहीं तो फंसे रहिए किचन में, मौका नहीं मिलता है इधर का काम करने का। और फ्रेंड्स जितना भी स्वेटर है सबको उल्टा कर लेंगे और चैन जो है वो सबका चैन लगा देंगे ताकि उसका चैन खराब ना हो। तो सबका चैन लगा के उल्टा करके धोइएगा ना तो स्वेटर पर उतना मशीन का असर नहीं पड़ेगा, और हल्का हल्का ज़्यादा पानी में इसे घुमा देंगे। तो फ्रेंड्स उधर कपड़ा धुल रहा है ना, जब तक इधर फ्रिज साफ कर लेते हैं, तो क्योंकि कपड़ा धोने के लिए वहाँ खड़े तो नहीं रहेंगे जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये बास्केट के नीचे लाइनिंग बना होता है ना तो उसे ब्रश से साफ करना पड़ता है, जम जाता है। और पूरे फ्रिज को पहले सब सामान निकाल लीजिए, उसके बाद जो है एक लिक्विड हमने बना करके कपड़े में लगा लिया था, तो वो लिक्विड था सिरका और जो विनेगर होता है और मीठा सोडा जो बेकिंग सोडा होता है और थोड़ा सा इजी मिला करके और सबको साफ करना है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, स्मेल उसका सब खत्म हो जाता है, जितना भी बैड स्मेल होता है ना सब अच्छे से साफ हो जाता है। तो इस तरह का लिक्विड बना करके कटोरी में बना लीजिए, हमने तो यहाँ पे कपड़े में ही बना करके भिगो लिया था और पूरे फ्रिज को उसी से हमने साफ कर लिया। और ये छाली जो हमने दिखाया ना अभी आप, तो इसका आज घी निकालना है क्योंकि फ्रीजर में ये पड़ा रहेगा तो फ्रीजर में फिर स्पेस नहीं बचता है। फ्रेंड्स रमज़ान के लिए कुछ खाली जगह भी करना है, फ्रिज को साफ करना है, मतलब सामान को भी कम करना होगा, तो तभी तो स्टोर करके रमज़ान के लिए रख सकेंगे, तो इसलिए आज उसका काम करना है। कई दिन से सोच रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन आज फ्रिज तो पूरी तरह से साफ हो गया है। और इसमें ना हमने पेपर बिछा दिया है क्योंकि ऐसे खाली छोड़ देने से ना कुछ भी सामान रखिए तो उसमें लग जाता है, चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जब साफ करने बैठिए तो सारे चीज़ को धोना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ड्रोर में जो रैक है उसे साफ नहीं करना पड़ा क्योंकि इस तरह से बिछा हुआ था, तो फटाफट से कपड़े से साफ हो गया। और ये सब सामान रखना है और जो वो सब है वो सब जो है गर्म पानी में धो देंगे। इसे बंद करते हैं, चलते हैं इसे धो लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना गंदा हुआ है यहाँ पे, चिल्ड्रे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा हुआ है, तो सर्फ डाल करके गर्म पानी में और इसे जो धोएंगे ना तो बहुत जल्दी छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स धोने के बाद कॉटन कपड़ा से पोंछ दिए हैं क्योंकि आज ना मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल और बारिश हो रही थी, तो इस वजह से धूप तो था नहीं कि धूप में रखते,
तो कॉटन कपड़ा से पोंछ करके अब इसे ना सेट कर देंगे और जितना भी सामान है सब इसे रख देंगे। और एक चीज़ और बताना था फ्रेंड्स कि फ्रिज अगर साफ़ करें, डीप क्लीनिंग करें, तो खोल करके काफ़ी देर लगता है करने में, तो इसलिए इसका जो स्विच है वो ऑफ़ कर दें, ऑफ़ करके तब फ्रिज को साफ़ कीजिए, उसका प्लग जो है निकाल दीजिए उसके बाद। और यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए हैं किचन में। किचन का ये जो विंडो है, खिड़की, उसका ये डोर में लगा हुआ है शीशा, तो शीशा में पूरा जो है किचन का ऑयल बैठ गया है और रेड रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब जमा हुआ है। तो आप इस हार्पिक को लगा करके छोड़ देंगे 10 मिनट ना, तो बहुत अच्छे से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, फ्रिज के साथ साथ ये साइड में अलमीरा था, ये बिल्कुल ओपन है ना, तो ये सब जो धूल से एकदम पूरा गंदा हो गया था, तो चलिए साथ में ये भी क्लीन हो गया, साफ हो गया। अब देखिए कितना हल्का महसूस होता है साफ हो जाने के बाद। क्या बोलूं, क्या देख रहे हैं। भारत यात्री लग रहे हैं। आठ था सर। तो फ्रेंड्स रूम में कवर्ड बनवाना है तो इसलिए ये प्लाई आया है, तो अब देखिए इसका काम अब शुरू होगा। ये टूटा हुआ क्यों लगाई है ये? टूटा वाला लगा कर ना देख रहे थे कि कैसा दिख रहा है, ये देखो। फ्रेंड्स ये टूटा चश्मा ना 1 महीने से लगा रहे हैं, टूटा वाला का एहसास ले रहे हैं। अब ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। हाँ, इसे क्या करेंगे? लगा करके घूमना, स्टाइल वाला है, एक तरफ का टूटा हुआ। आप आजकल का स्टाइल है ये। तो फ्रेंड्स सुबह से बहुत काम हुआ, आपने देखा कि मतलब जो काम आप देख रहे हैं 5 मिनट का वीडियो में, वो समझिए दिन भर का था, और अभी शाम हो गया है, करीब 7 बज रहा है। तो अभी बनाने जा रहे हैं ये टमाटर, बहुत सारा अपने बगान से आया हुआ है ना, तो वो कि प्यूरी बना करके स्टोर करके रखना है, ताकि काटने छांटने का झमेला नहीं रहेगा रमजान में, तो प्यूरी बना कर रखा रहेगा, निकालिए और डालिए। छोटी छोटी चीज जो रहता है ना काम, उससे सबसे ज्यादा किचन गंदा होगा, तो उससे भी बचिएगा ये सब। तो प्याज हो गया, टमाटर का प्यूरी हो गया, और एक मसाला बनाकर रखना है जो आपके साथ हमने शेयर किया है पहले, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो है चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ग्रेवी बना करके रखे हैं, उसमें बस आप फ्रिज में रखे रहिए, सब्जी को भूनिए और डाल दीजिए, बन गया सब्जी, तैयार हो गया। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है बताइए, रमजान के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ग्रेवी बनाकर रखना। तो फ्रेंड्स चलिए पहले किचन में प्यूरी बनाते हैं, उसके बाद फिर खाना भी तो बनाना है। और ये बच्चे लोग का हंगामा चल रहा है बहुत ज्यादा, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए एक से एक बच्चे हैं यहाँ पे, बड़े बूढ़े बच्चे जवान। तो फ्रेंड्स ये छाली है, और अब इसे चलते हैं, इसे घी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घी निकल गया है, घी का काम हो गया है। घी कैसे निकालना है ये पिछले वीडियो में हमने शेयर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे बगान का टमाटर, ये करीब 3 किलो तक होगा, ऐसे तराजू से तौला हुआ तो नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि मार्केट से आता है तो अंदाजा होता है कि इसमें रखने पे इतना 3 किलो तक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए पहले इसे काट लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एकदम सिंपल है, छोटा सा काम है, बस
सोचते रहने से ना बड़ा काम लगने लगता है, तो सोचना नहीं है, फटाक से उठिए, टमाटर काटिए और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो इसका पहले ये सब निकाल लेते हैं और इसे चार फाक कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है कि पीस पीस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये पूरा हमने काट लिया है टमाटर, एक टमाटर का चार पीस कर दिए, बहुत छोटा छोटा टमाटर था, एकदम प्यारा सा। अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। एक कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे ये सरसों तेल, तो ये आधा कप होगा, मतलब 100 ग्राम होगा करीब करीब। इसे खूब अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। ये पूरा तेल जो है निकाल लेना है। अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी तो डालना नहीं है, आप जान ही रहे हैं इसमें कितना खुद ही रस है, तो इसमें पानी बिल्कुल डालना नहीं है। फ्रेंड्स देखें, यहाँ उबल रहा है इसे, और जो है बहुत ज़्यादा ये भर गया है कढ़ाई। तो ऐसा करते हैं ना, इसमें पलट देते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से पानी सूख पाएगा, नहीं तो सारा उबल करके नीचे गिरने लगेगा। तो चलिए पहले इसमें पलटते हैं। तो खुला ऐसे ही छोड़ करके सुखाना है पानी को। तो फ्रेंड्स अभी ये सूख रहा है पानी, बीच बीच में लेकिन चलाते रहना है, नहीं तो अंदर बैठ सकता है, ऊपर से पानी आ जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, इसलिए बीच बीच में चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसे सुखा लेना। तो फ्रेंड्स ये देखें, इतना सूख गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से एकदम इसका पानी जो है सूख गया है। अब बस हो गया, गैस को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जो है अब लास्ट में देखिए क्या मिलाना है। ये जो तेल गरम करके रखे थे, तो इसे थोड़ा ठंडा होने दे दीजिए, उसके बाद जो है डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स हल्का ठंडा हो गया है ना, अब इसमें ये तेल डाल देते हैं। तो जैसे अचार में डाल करके और रखने से खराब नहीं होता है ना, वैसे आप इसे भी इस तरह से रख सकते हैं डाल करके। ऐसे अगर बिना तेल डाले हुए आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हफ्ता 15 दिन चलेगा। और इस तरह से अगर आप रखेंगे ना, तो ये 2-3 महीना तक भी चलेगा। तो 1 महीना इसे रखना है तो आराम से चल जाएगा। तो बस अब इसे क्या करना है, इस कंटेनर में भर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 किलो टमाटर का ये इतना सा प्यूरी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे ढक करके आराम से फ्रीज में रख दीजिए और आपका पूरा रोज़ा जो है निकल जाएगा, और आराम से 1 महीने तक इसे यूज करते रहिए। तो फ्रेंड्स आज का तो सारा काम हो गया, ये देखें ये चटनी भी बन गया, कपड़े भी धुल गया है गर्म कपड़े, और ये फ्रीज भी साफ हो गया, ये टोमेटो चटनी भी बन गया है, ये बाकी रह गया है एक तीसी का पाउडर बनाना। तो 1, 2, 3, 4 काम तो कम से कम हो गया ना आज। तो इस तरह से लिखने पे माइंड में चलता रहता है और काम भी होता रहता है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, और इसी तरह का प्रिपरेशन मेरा अभी चलता रहेगा रमजान का। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर लिया उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।